हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आरन कॉर्नर। कैसे हो सब लोग? आशा करते हो सब लोग सही सलामत हो। मैं इतना ज़्यादा ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे रेड आई में थोड़ा सा इचिंग की प्रॉब्लम हो गई थी एंड स्वेलिंग भी हो गई थी। एंड आप लोगों को अभी भी शायद थोड़ा सा लाल दिख रहा होगा, मेरे रेड दिख रहा होगा। वीडियो में भी मेरे आई थोड़ा सा लाल दिखेगी एंड मेरे रेड दिखेगी, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। और आज का जो लुक है, सब लोग ऑफिस वगैरह बंद है, ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है। खुद को बहुत जल्दी रेडी कर सकते हो, कैसे प्रेजेंटेबल दिखा सकते हो, मैं वही दिखाऊंगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करती, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी टोनर, और टोनर के लिए मैं ले रही हूँ गुडवाइज ग्रीन टी टोनर। और इसको मैं पूरे अपने फेस पे लगा लूँगी, मैं अपने आईब्रो बना के रखी हूँ इसलिए मैं बस दूर से ही कर रही हूँ ताकि मेरे आईब्रोज पे ना फैल जाए, क्योंकि आईब्रो ऑलरेडी फिल है। और इसको मैं अच्छे से टैपिंग कर दूँगी अपने फेस पे, और इसको स्किन के अंदर जाने दो। और ये क्या करता है, स्किन क्लीन करता है, स्किन टाइट करता है, और टोनर बिफोर मेकअप में बहुत ज़रूरत है। मैं काफ़ी सारे वीडियोस पे पहले दिखा चुकी हूँ, उसके बीच में मैं स्किप करती थी, अब फिर से मैं दिखा रही हूँ। और मेरे यहाँ में भी गिर गया है तो मैं यहाँ में भी लगा लेती हूँ, उसे टैपिंग कर देती हूँ। अभी मुझे क्या लगाना है, मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ ये नेविया वाला मॉइस्चराइजर, ये विंटर समर दोनों के लिए बेस्ट है मेरे लिए। जैसे क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ऑफिस वगैरह बहुत बंद है, ऑफिस वगैरह मैक्सिमम ऑफिस वगैरह बंद है। और बहुत जल्दी ही अगर आपको तैयार होना है, रेडी होना है अपने, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफिस तो हो ही रहा है, तो उसके लिए आप कैसे बहुत अच्छे से खुद को अच्छा प्रेजेंटेबल दिखा सकते हो, वही मैं दिखाऊंगी कैसे आप कर सकते हो। आप लोग भी पहले मतलब मेरे ऑलरेडी आईब्रो ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, आप लोग देख लेना, दो दो आईब्रो ट्यूटोरियल है। पहले तो बहुत पुराना है, अभी रिसेंटली मैंने लिया हुआ वो है। और अब मैं लगाऊंगी प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ लोटस का प्राइमर। बिफोर मेकअप तो आपको ये लगाना ही है, टोनर मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा दिखाती हूँ। ये मैबलिन का बेबी क्रीम मैं लगाऊंगी। आपके पास जो भी क्रीम हो, जो भी मैबलिन जो भी बेबी क्रीम हो या फिर जो भी फाउंडेशन हो, आप लोग वही लगा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, इतना सा लूँगी। गले पे ही लगा ले इसको, आप चाहो तो ऐसे फिंगर से भी ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, ऐसे रगड़ रगड़ के कई लोग लगाते हैं फाउंडेशन हो या कुछ भी, ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो हल्के हाथों से इस तरफ से ऐसे ब्लेंडिंग करना है, ऐसे फिंगर से ही मैं पूरे फेस को ब्लेंड कर लूँगी, सेट कर ली हूँ। और अभी मैं लगाऊंगी कंसीलर, जो इंपॉर्टेंट है कंसीलर लगाना। आपके फोटोज़ आपके फेस कैमरे पर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए ये कभी स्किप ना करो, ये लगाना ही है ब्यूटी ब्लेंडर के। इसको अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूंगी, लेकिन आप लोगों के पास तो जिन लोगों के ऑफिस होता है, जिन लोगों के ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, उनके तो बैकिंग करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। अभी भी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप बस ऐसे कभी कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो। मैंने आज लैक्मे का वाला कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, और ऐसे ही आप पूरे फेस को पहले लॉक कर लो। अपने फेस को थोड़ा सा सर्प लगा दूँ, क्योंकि फेस बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है पूरा फेस। तो थोड़ा सा कटिंग करने के लिए मैं यहाँ से ये वाला जो ब्राउन शेड है इसको लूँगी, और मैं इसको अपने फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ, करूँगी यही पिक करूँगी और फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। मैं ब्रश लूँगी एंड नोज़ को थोड़ा सा सर्प कर लेती हूँ, नोज़ को थोड़ा सा एक शेप दे देती हूँ। और ऐसे मैं अपने आईब्रो के साथ ऐसे मैं मिला दूंगी नीचे की ओर, ये पीच कलर है, पॉपी पीच कलर है, इसको ब्लेंड करूंगी एंड मैं अपने आउटर क्रीज पे ऐसे लगा दूंगी। बस थोड़ा सा ताकि आई आपका आई डिफाइन लगे एंड आई आपका थोड़ा सा पॉप करे, उसके लिए भी ऐसे पूरी अपनी आई लिड पे लगा लूंगी। ये ग्रीस पे लगाना हो गया है, और अब मैं यहीं से ये वाला जो ऑफ वाइट कलर है इसको लूँगी और अपने मेरे लिड पे लगा लूँगी। एक सॉफ्ट सा आई लुक क्रिएट करने के लिए, ताकि लगे भी ना कि आपने आई पे बहुत ज़्यादा कुछ लगाया है और आपका आई भी बहुत अच्छा लगे, इसी वजह से जस्ट एक सॉफ्ट लुक देने के लिए मैंने ये वाला कलर टच किया है, ताकि आई थोड़ा सा और अच्छा लगे।
पे भी लगा ही लेती हूँ। एंड अपने फोरहेड पे भी मैं फिंगर से ही लगाऊंगी तो अच्छा लगता है, अच्छा से आता है पिगमेंट। वरना ब्रश कर देती तो नहीं आता। तो ये वाला हाइलाइटर लगाने से मैं अपना अच्छा हमेशा अपना फिंगर ही मैं यूज़ करती हूँ। तो हो गया है और अब मैं अपने चिक्स पे थोड़ा सा ब्रशर लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। और भी ज़्यादा ओला नहीं, आज मैं ये पीछे वाला कलर ही लगाऊंगी। हंसते हुए पीछे वाला कलर मैं अपने चिक्स पे लगा लूँगी। आप लोगों को आवाज़ सही आती है कि नहीं मेरे वीडियो से पहले बार मुझे बताना। मुझे कभी कभी डाउट होता है, मुझे ऐसा लगे आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही कि नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना कि मेरी आवाज़ सही आती है कि नहीं। एंड मैं आपके नोज़ पे भी थोड़ा सा ऐसा लगा देती हूँ, उसके बाद ही ब्रश को मैं पूरे फेस पे ऐसे लगा देती हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर देना। तो बस ये मेरा कंप्लीट हो गया है और अभी मुझे लगाना है आईलाइनर। उसके लिए मैं लगाऊंगी अपना ये लैक्मे आईलाइनर।